रोहित कुमार, पवन कुमार, तेजेंद्र सिंह और रणदीप सिंह। इन्होंने मेरे को, मैं घर से भूतमोड़ी आ रहा था दिया लेने के लिए, वो मिट्टी का दिया होता है। जैसे मैं जी भूतमोड़ी में पहुंचा तो एकदम अचानक ये वहाँ से पत्थरों के बीच से छिपे होते झड़ी में एकदम वो कटे, फिर इन्होंने मेरे को मारना ही शुरू भी किया। जबकि मैंने एक आदमी शख्स से पूछा, उससे प्रीतम सिंह से, जब उससे पूछा मैंने तेजेंद्र सिंह से, आप मार क्यों रहे मुझे, तो बोलता है कि अभी कर्फ्यू लगा हुआ है, तुझे हम जान से ख़त्म करेंगे, तू बड़ा वो लिखता रहता है, बड़ा पर्यावरण प्रेमी है ना तू, हम सिखाएंगे तेरे को तो कैसे आता पर्यावरण प्रेमी। हमने पुलिस को फ़ोन किया लेकिन वो बोलने लगे संगड़ा आ जाओ। मैंने कहा जी मेरे पैर में दर्द है, ना कोई साधन है, मैं कैसा हूँ, तो बोलने लगे तो हम क्या करें फिर, इस तरह की बात करने लगे। फिर 108 में संपर्क हुआ, फिर मुझे 108 से संगड़ा ले जाया गया। जब संगड़ा ले जाया गया तो पुलिस वहाँ पर आई नहीं, एक सवा घंटे तक मैं वेट करते रहे। फिर उसके बाद डॉक्टरों ने वहाँ पे उपचार किया लेकिन पुलिस फिर भी आई नहीं। जब DSP साहब से कॉल हुई उसके बाद एक घंटे बाद आई। फिर DSP को कॉल किसने की? वो खुद की, मैंने अपने नंबर से। उसके बाद आई पुलिस वहाँ पर, फिर बोलने लगी उसके बाद कि आप नान चले जाओ। मैंने कहा जी मेरे पास नान जाने के लिए कोई साधन नहीं है, मैं कैसे चले जाऊँगा। बोलते किसी लिफ्ट को पकड़ लो, आप नान चले जाओ और मैं कॉल करता हूँ तुम्हें, वहाँ प्लीज वहाँ लेने आएगी और हो गए वो तुम्हारे लिए, इस तरह की बात करने लगे। आई नहीं जी पुलिस, वो बोल रहे थे कि हम नान फोन करेंगे, ईमेल भेजेंगे, आप नान चले जाओ और वहाँ से पुलिस आ जाएगी। आप मेरे को कान से सुनाई नहीं दे रहा जी, इस कान से मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है, दर्द उठ रहा है हमारा मेरे को, कि मैं पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ लिखता रहता हूँ, मैं हर विभाग संबंधित को सूचना देता रहता हूँ, इसी कारण मारा। बाकी मेरे साथ उनका द्वेष नहीं है, ना मेरे दिल में उनके लिए द्वेष, लेकिन मैं पर्यावरण खनन के विषय में अवैध तरीके से काम करने वाले, गे कानून बना देने वाले, इनके खिलाफ मैं लिखता रहता हूँ, इसलिए मुझे जान से मारने की कोशिश में लग रहे थे। पहले मैं उस पर जानलेवा हमला किया गया था जिसमें मेरी एक टांग टूटी गई थी, अभी भी आप देख सकते हैं मुझे, मैं पहले एक टांग से चल नहीं पा रहा, दूसरी टांग फिर मरोड़ दी मेरी, और फिर मेरे को इतना पीटा उन्होंने, मेरे को पता नहीं किस किस ने मारा मेरे को, कर दे उतने मेरे मैसेज देख लिया मुझे जिसमें बेटा। हमने शिकायत की थी लेकिन उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं की। ये जी ये भी इसमें सूजन हो रहा, दर्द कर रहा है, ये वाला पैर भी नॉर्मल। राजनीति का पूरा सहयोग लेते हैं जी, जो वहाँ के विधायक है श्री विनय कुमार जी, उनकी सपोर्ट करते हैं जी, क्योंकि वो भी उनसे मिले बुले, तो मैं उनसे उन पर भी मैंने शिकायत की है लेकिन वो सुनते नहीं है जी। सब वो मिली भक्ति सरकार है जी, कोई सुनते नहीं, विभाग में भी वहाँ सुनवाई नहीं होती है, ना इन पर इस तरह की कार्रवाई करते हैं। वो मुझे जान माल मानने की सोचते रहते हैं, प्लानिंग बनाते रहते हैं।